गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन फ्री स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हरियाणा कांस्टेबल का जो 30 दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था फीमेल, उनका एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं कांस्टेबल का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखेंगे और आपके ऊपर जो सर्वे किया गया था, मैंने एक पोल डाला था, उनके ऊपर भी देखेंगे कि आपका क्या रिजल्ट आया है, आपने कितने कितने अंक प्राप्त किए हैं या फिर एक्सपेक्टेड कितने आपके सही हैं वो देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, एक्सपेक्टेड कट ऑफ विथ आपको फिजिकल के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या फिर मैं किसी भी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ तब मैं बताता हूँ आपको, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर जैसे इतने भी क्वेश्चन आते हैं, उन सभी की वीडियोज़ आपको ऑनलाइन फ्री स्टडी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और प्लस उन वीडियोज़ की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, अगर आप अनएकेडमी में पढ़ते हैं तो अनएकेडमी पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, धर्मेंद्र करारे कर। वहाँ पर ELP के लिए मॉक टेस्ट डाले हुए मैंने और JEE के लिए मॉक टेस्ट है और टॉप 500 प्लस कोर्स भी अपन मिल जाएगा आपको। और फ्रेंड्स, अगर आप देखिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर अपने पोस्ट डाल सकते हैं, अपनी क्वायरीज कर सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो है मैंने ऑलरेडी वहाँ पर डाल दिया है, आपका पेपर जो है ऑलरेडी डाल दिया मॉर्निंग और इवनिंग का। फ्रेंड्स, तो देखिए अगर किसी को भी कोई भी क्वायरी है तो टेलीग्राम पर पूछ सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम कि आपने जो मुझे कमेंट किए थे वो कमेंट में आप जो पोल डाला था मैंने उसमें कितने लोगों ने वोट किया है। सबसे ज़्यादा वोट किया है 30%, 50 से लेकर 55, 28% लोगों ने वोट किया है 50 से कम और 18% लोगों ने वोट किया है 50 से 56 से 60 तक या फिर 12% लोगों ने वोट किया है 61 से 65 तक और 12% लोगों ने वोट किया है 65 से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका रिजल्ट और हम एक्सपेक्टेड कब देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, देखिएगा आपकी क्वायरीज क्या थी, आपकी जो मोस्ट टॉप क्वायरीज क्या रहती हैं। तो देखिए पहली बात, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एग्ज़ाम में कितने नंबर मिलेंगे, तो एक्स्ट्रा कुछ नंबर मिलने हैं आपको तो वो कितने और कैसे मिलेंगे और एवरेज अटेम्प्ट क्या रहेगा। एवरेज अटेम्प्ट मतलब कि आपने अभी तक जितने भी, जैसे मैंने बताया कि आप लोगों ने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं या फिर कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम अटेम्प्ट देखेंगे कि आपके एवरेज अटेम्प्ट कितने रह रहे हैं। तो एवरेज अटेम्प्ट जो रह रहे हैं, कल का जो एग्ज़ाम था उसमें 60 से लेकर 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, अटेम्प्ट को मतलब करेक्ट अटेम्प्ट हो रहे हैं इतने। ओके, हो सकता है मे बी 2 से 3 क्वेश्चन इनमें भी आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतने आपके एवरेजन अटेम्प्ट हो रहे हैं जो सही हो सकते हैं। ओके, आगे देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको ऑप्शंस यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और 100 क्वेश्चंस आएंगे। हर क्वेश्चन का जो आपको नंबर मिलेगा 0.80 मिलेगा, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 0.80 मार्क्स मिलेंगे और टोटल करें तो हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। आपको दिए गए थे 1.5 घंटा यानी 90 मिनट और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। ओके, आगे देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल थी, देखिए सिंपल नहीं कहूँगा लेकिन थोड़ी सी इसमें जो है चरण ज़्यादा हैं और प्रोसेस ज़्यादा है। देखिए पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर PST यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद IPT यानी कि इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट होगा। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछते इंटरव्यू में, ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ओके, अब देखें फिजिकल के लिए, देखिए मेल की और फीमेल की दोनों की लिखी हुई है। अगर कांस्टेबल की बात करें उसमें हाइट अगर देखें तो कांस्टेबल मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और हम बात करें कांस्टेबल में जो आपका रिजर्व कैटेगरी है तो उसमें 167 सेंटीमीटर। अगर आपकी बात करें फीमेल कांस्टेबल के लिए जो जनरल है उनमें 158 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी की बात करें फीमेल में तो 156 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। ओके, अब बात करते हैं कांस्टेबल मेल में वेट की बात करें तो सभी के लिए, मेल के लिए मतलब सभी मतलब कि जनरल एस सी ABC BCB के लिए सभी के लिए 50 किलोग्राम और हरियाणा की जो पुलिस कांस्टेबल फीमेल के लिए वेट रहेगा सभी के लिए 40 किलोग्राम 40 kg वेट जो है वो आपका होना चाहिए। ओके,
और हम नोटिफिकेशन भी देखेंगे ऑफिशियल। और देखिए सैलरी की बात करें तो हरियाणा कांस्टेबल की सैलरी जो रहेगी वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक रहेगी, और ग्रेड पे जो रहेगी आपकी 1,800 रहेगी। कितनी रहेगी? 2018 के अनुसार जो रहेगी वो ग्रेड पे रहेगा आपका सातवें वेतन के अनुसार कितना, 1,800 रुपये का। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए आपको पोस्ट कितनी थी, देखिए 11,147 पोस्ट थी फॉर फीमेल कांस्टेबल के लिए। ठीक है, और आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो था, ठीक है। और जनरल की कितनी थी, 528 थी। एससी की थी 206, बीसी ए की थी आपकी 161, बीसीबी की 92, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 80, एक्स सर्विसमैन एससी के लिए 23, एक्स सर्विसमैन बीसीए के लिए 23 और एक्स सर्विसमैन बीसीबी के लिए 34 थी। तो यहाँ पर पूरी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। 50 पोस्ट्स ऑफ इंडियन रिजर्व बैटेशन ऑफ हरियाणा स्टेट मेल कांस्टेबल ड्यूटी जनरल ड्यूटी थी उनकी, उनके हिसाब से भी दिया हुआ है यहाँ पर। ओके, और भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे हम, देखेंगे कि देखिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता देता हूँ आपको, 170 सेंटीमीटर जनरल ड्यूटी के लिए थी, जनरल कैटेगरी के लिए हाइट, ठीक है। और फीमेल के लिए स्पेशली देखते हैं, फीमेल के लिए 158 सेंटीमीटर है जनरल के लिए, मैंने जो सी बताया आपको। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 156 सेंटीमीटर आपको ये यहाँ पर बताया हुआ है उन्होंने, ठीक है। उनके लिए देखिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं है फीमेल के लिए, लेकिन मेल के लिए जो है जनरल के लिए जो रहेगा वो 83 सेंटीमीटर है, और फुलाने के बाद जो रहेगा एक्सपेंड करने के बाद 87 होना चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 81 और फुलाने के बाद 85 होना चाहिए। तो ये हमने मेल फीमेल दोनों के लिए देख लिया है। ओके, हम अब रनिंग की बात करें तो रनिंग में क्या रहेगा मेल के लिए, देखिए बता दूं मैं आपको, मेल के लिए जो रनिंग रहेगी 2.5 किलोमीटर दौड़ना है 12 मिनट में। फीमेल की बात करें तो फीमेल को 1.0 यानी 1 किलोमीटर दौड़ना है 6 मिनट में। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर दौड़ना है वही 5 मिनट में दौड़ना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए नोटिफिकेशन के अनुसार। ओके, अब देखिए जो नोटिफिकेशन है उसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि आपको एनसीसी के लिए किसको कितने नंबर मिलने हैं, या जो देखिए 20 नंबर जो बचे हैं वो किस प्रकार से मिलेंगे। तो देखिए 5 नंबर मिलेंगे आपको ऑर्फन ओबिडो के लिए, किसके लिए, ऑर्फन ओबिडो के लिए मिलेंगे 5 नंबर। तो देखिए अगर आपके फादर या आपके आपके फादर 42 ईयर से पहले जो है 42 ईयर बिफोर अगर एक्सपायर हो गए तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी 15 ईयर यानी 15 साल से एज ज़्यादा नहीं थी उससे पहले आपके फादर एक्सपायर हो गए तो 5 नंबर मिलेंगे, और बिडो के 5 नंबर मिलने हैं आपको, ठीक है। ओके, अब आप देखने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका क्या, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में देखिए पहले हम क्या कर लेंगे, एनसीसी के जो नंबर हैं और आपको जो एक्स्ट्रा नंबर मिलने हैं वो कितने कितने मिलने हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में से मैंने आपको ये टाइप करा हुआ है, तो यहाँ से देख सकते हैं। बाय द वे मैंने ऑलरेडी आपको सेक्शन वाइज भी मैंने बांटे हुए हैं, तो सेक्शन वाइज बांटे हुए वो देख लीजिए। तो देखिए ग्रेजुएशन अगर किसी ने करा है या डिग्री इन लॉ कंप्यूटर इंजीनियरिंग साइंस फॉरन मेडिसिन फॉरेन साइंस और पुलिस साइंस और क्रिमिनोलॉजी में अगर आपने कुछ भी डिग्री करी है तो 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है किसी भी डिग्री में तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है जिसमें आपको 3 नंबर मिलने हैं, वो लेवल आपको बता दूं, ए लेवल का है, ठीक है, बी लेवल का है या लेवल सी का है, तो सभी के लिए एक एक नंबर मिलने हैं आपको। ओके, अब आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होगा, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ इंटरव्यू पर्सनल टेस्ट के बारे में, तो वो तो सबसे लास्ट में होना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। ओके, अब फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या रहने वाला है, मैं ये नहीं बोलूँगा, हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, जनरल के लिए 41 से 45, एससी के लिए 30 से 35, बीसीए के लिए 38 से 41 और बीसीबी के लिए 40 से 42 और एक्स सर्विसमैन का 36 से 38। फ्रेंड देखिए बता दूं मैं आपको, आप सोच रहे होंगे कि जो पोल किया था जो वोटिंग की थी वो तो थोड़ा ज़्यादा कर रहा था, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम सम ऑफ लगा के देखें आपका और जो कोचिंग सेंटर्स पे मैं गया वहाँ पर लोगों ने बोला कि जो पेपर था लेवल था वो अच्छा लेवल था, मतलब जो मॉडरेट टाइप का एपी एग्ज़ाम आया था, इतना इजी नहीं आया था लेकिन मॉडरेट टाइप का एग्ज़ाम आया था। जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको रियलिटी पता होती है, जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनको
उनसे ऐसा रह उन्हें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम इजी आया है, या एग्ज़ाम कभी कभी उनको भी लगता है टफ आया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है वो आपको आपकी पोलिंग के हिसाब से, आपकी वोटिंग के हिसाब से यहाँ पर आपके नंबर देख रहे हैं 80 नंबरों में से। अब हम फीमेल का हमने देख लिया, मेल का भी एक बार देख लेते हैं। अगर मेल कोई देख रहा है वीडियो को तो देखिए, जनरल का 50 से 53, SC का 37 से 40, BCA का 42 से 46, BCB का 48 से 50, एक्स सर्विसमैन का 36 से 40। तो फ्रेंड देखिए ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी किसकी, मेवे फीमेल कैटेगरी में जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था कल का उसकी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपने देख लिया, आपने फिजिकल देख लिया, आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलने वो भी आपने देख लिए। तो फ्रेंड्स अब मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी कोई भी वीडियो बनाता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो हमारी सीरीज चल रही होती है टॉप 500 प्लस GK GS क्वेश्चन में से। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपको करना ये है कि आप देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अब आपको करना ये है कि आप वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 अब आंसर बता दीजिएगा, क्या कमेंट में आंसर बता दीजिए क्या होने वाला है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी कौन सी है, INS सल्की, INS दिल्ली, INS विभूति या INS सावित्री। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आ चुका है आप ही के एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आपका आंसर है INS सल्की। क्वेश्चन नंबर 2, गोवा में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं या 5 हैं, ऑप्शन डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ABCD ऑप्शन इस करके आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर बताइए क्या होने वाला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए होगा 2। तो 2 ही सीटें हैं लोकसभा की कहाँ पर, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, पैसो है, सेडी है, रुपया है या कोरोना है। तो फ्रेंड बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा जीके पढ़ा होगा तो आपने करेंसीज पढ़ी होंगी और करेंसीज में इंडोनेशिया की करेंसी जरूर पढ़ी होगी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, राउत नाचा, देखिएगा क्वेश्चन आपको ध्यान से देखिए, राउत नाचा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, झारखंड का, असम का, पश्चिम बंगाल का या छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, असम का या पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स बताइएगा क्या आंसर होने वाला है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 5, कल्याणी स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, हिसार में है, एलूर में है या एलूर जो है या दिल्ली में या कोलकाता में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 6, नरेंद्र मोदी की सरकार में वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो ये है, ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल है और आपके एग्जाम में कई बार आया है, आपने एग्जाम दिए होंगे बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मनोहर पारिकर, कालराज मिश्रा, निर्मला सीतारमन या रविशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जो महिला है, पहली महिला रक्षा मंत्री है वर्तमान में, तो उनका नाम है निर्मला सीतारमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अब आपको बता दें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस शहर में है, भारत के शहर में, असम में है, केरल में है, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में। तो ये मैं आपको जब मैंने रेलवे का GK कराया था तो मैंने ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 बार पढ़ाया था, अलग अलग कर मैंने पढ़ाया था। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे टॉप 500 प्लस GK GS क्वेश्चन पर, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लस अगर आप अनअकैडमी पर हैं तो करारे धर्मेंद्र करारे कर वहाँ पर आप सर्च करिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है केरल। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे सही वीडियो। बाकी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, बताइएगा इतना था एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है मे बी। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन आपको दिख रहा है जो रेड दिख रहा है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दबा दीजिएगा। उसके बाद आएगा बेल का आइकन, उसे भी दबाइएगा, जिससे कि जितनी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए और उन वीडियोज़ को आप देख पाएँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम ग्रुप और जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।